नमस्कार देवी और सज्जनों, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू हाउ यू कैन मेक थंबनेल लाइक पीजे एक्सप्लेन। देखो पीजे एक्सप्लेन की वीडियो की क्वालिटी बहुत ऑसम होती है एंड उनका कंटेंट और स्क्रिप्ट तो एक नंबर। भाई जब दिल आए गधी पे तो परी क्या चीज है, पर जो उनकी थंबनेल्स होती है ना उसका मुझे पैटर्न बहुत बढ़िया लगता है। उनके सारी वीडियोस का अगर तुम थंबनेल देखोगे तो पूरे सेट पैटर्न के अंदर बना हुआ रहता है जो कि दिखने में बहुत ऑसम लगता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें उनके जैसा थंबनेल बनाने के बारे में बताऊंगा एंड जो ये थंबनेल वाली वीडियोस है ना ये पार्ट्स में डिवाइडेड है। लाइक मैं तुम्हें एक ही वीडियो के अंदर सारा एडवांस में नहीं करवाऊंगा कि एकदम से हाई लेवल पे चला जाओ, इसको मैं धीरे धीरे लेके चलूंगा। अभी तुम्हें स्क्रीन पे थंबनेल दिख रहा होगा और ये फाइनल आउटपुट है इस वीडियो का, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस वीडियो के अंदर मैं जोकर वाली थंबनेल का रेप्लिका करने वाला हूं और जो मैं साइज लूंगा वो ऑब्वियसली 20x1080px और 150ppi। तो ये मेरे पास एक प्रोजेक्ट बन के आ चुका है और तुम्हें करना क्या है, तुम्हें जोकर के ट्रेलर का जो उनके ट्रेलर का थंबनेल है उसका एक इमेज लेना है एंड वीडियोस के अंदर से तुम्हें 6 स्क्रीनशॉट क्लिक करना है और जो मैं यूज कर रहा हूँ उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये मेरा मेन बैकग्राउंड है जो मैं इस वीडियो के अंदर यूज करूंगा और यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ था जो कि मैंने रिमूव किया है बाय दिस टूल रिमूव टूल से। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने इमेजेस जो मैंने तुम्हें बताए थे स्क्रीनशॉट्स वगैरह वो मैंने लिए हैं। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, लाइक जो मेरा कैरेक्टर है ना वो दिखने के लिए। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा पेन टूल का। रिमूव करने के बाद यू हैव टू गो टू मेक सिलेक्शन and then hit control and J. Okay, ये मेरा बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है एंड तुम्हें क्या करना है, इसको करना है डुप्लीकेट। जो टॉप वाला लेयर है उसके अंदर जाओ एंड फिर हल्का सा मैं इसको करेक्शन कर देता हूँ। ओके, उसके बाद नीचे वाले लेयर पे क्या डबल क्लिक करना है तुम्हें एंड देन गो टू कलर ओवरले, इसको ग्रीन कर दो पूरा एंड देन ओके कंट्रोल टी प्लस इसको थोड़ा सा, ये मेरी तरफ से मैंने ऐड किया है वैसे, ये उनके थंबनेल्स में होता नहीं है लेकिन मैं इसको बहुत यूज़ करता हूँ। और इसको तुम क्या करो, ओपेसिटी को कम कर दो इसके। अब जो तुम्हारे पास 6 इमेजेस है ना उन सबको साइड बाय साइड में लगाना है, जैसे कि 3 इधर होंगे और 3 यहाँ पे होंगे। और इसके लिए तुम्हारे पास ये गाइड्स ओपन होना चाहिए जो तुम यहाँ से कर सकते हो वीक पे जाके एंड शोज में, ये तुम्हारा गाइड्स क्लिक होना चाहिए इस पर ताकि तुम परफेक्टली सारे ऊपर नीचे दोनों को मैच कर पाओ। अब तुम्हें क्या करना है कि ये जो बैकग्राउंड है वो सबसे नीचे जाएगा। Wait, what the fuck? Okay, and बाकी जो इमेजेस में यहाँ पे रहेगी एंड यहाँ पे मैं पहले 3 इमेजेस ले लेता हूँ, 1, 2, 3। ओके वेट अ सेकंड, 4, 5 सारे ले लेते एक बार के लिए। अब इनको कंट्रोल टी करना है तुम्हें और तुम्हें एक साइज देना है इसको कि तुम्हारा कौन सा साइज होना चाहिए, लाइक इतना मेरे को साइज देना है ना, यहाँ से एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो मैं इतना साइज कर देता हूँ इसको। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं लाइक यहाँ तक। ओके, अब क्या करना है तुम्हें, अब एक एक इमेजेस को परफेक्टली अलाइन करना है ऐसे करके एंड देन जो थर्ड इमेज रहेगा। बढ़िया, सेम एज नीचे वाले के साथ तुम्हें सेम करना है। अब जो नीचे वाले 3 है उनको तुम सेलेक्ट करो कंट्रोल प्लस टी एंड देन उनको नीचे लेके आ जाओ यहाँ पे। ध्यान रखें कि दोनों अलाइन दोनों तीनों सेम होने चाहिए, देखो सारे परफेक्टली सेम तरीके से। अब ये जो 6 इमेजेस है ना इनको सेलेक्ट करो, एक ग्रुप में ऐड कर दो। अब इसके टॉप पे एक तुम्हें लेना है वो, ओके वेट अ सेकंड, ठीक है। अब तुम्हें लेना है एक कलर, सॉलिड कलर जो कि ग्रीन कलर का होना चाहिए एंड देन तुम्हें इसको करना है मल्टीप्लाई, ठीक है, एंड तुम इसको कर दो क्रिएट क्लिपिंग मास्क। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा गैप रह गया यार, इसको सही कर देता हूँ एक बार मैं, बस वाली इमेज है ना। ओके, अब जो अपना बैकग्राउंड है उसको मैं कर दूंगा ब्लैक एंड वाइट, इसको तुम ब्लैक एंड वाइट ऐड कर दो। ओके, अब जो ये हमारा है जो कैरेक्टर है उस पर मैं थोड़ा ड्रॉप शैडो डाल देता हूँ ताकि यहाँ पे थोड़ा ब्लैक ब्लैक हो जाए, तो जस्ट ऐड अ ड्रॉप शैडो एंड देन उसके बाद तुम्हें इसकी थोड़ी सी कलर ग्रेडिंग करनी है ना। हल्का सा मैं यहाँ पे ब्राइटनेस वगैरह बढ़ा देता हूँ, सिचुएशन थोड़ा सा ठीक है भाई, बढ़िया। एंड देन उसके बाद तुम्हें क्या करना है, ऐड करना है टेक्स्ट वगैरह। टेक्स्ट वगैरह ऐड करने के लिए सबसे पहले मैं एक यहाँ पे रेक्टेंगल टूल लूंगा
एंटेंगल टू को यहाँ से पकड़ के यहाँ तक ले गया। अगेन की अलाइन होना चाहिए, पूरा ऊपर नीचे जो दोनों तुम्हें दिख रहा है वो दोनों बराबर होने चाहिए। एंड देन इसको तुम थोड़ा सा राउंड कर दो, इसको कलर कर दो तुम ब्लैक, ठीक है। एंड ओपेसिटी हल्की सी कम कर दो ताकि बैकग्राउंड हल्का सा दिखे और ये भी हमारा दिखे। थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं इसको, 45 की जगह कर देता हूँ मैं 65। अब तुम्हें डालना है टेक्स्ट, तो मैं एक रैंडमली टेक्स्ट डाल देता हूँ लाइक जोकर एक्सप्लेन। ओके, वैसे तुम यहाँ पे कोई भी अपना टेक्स्ट डाल सकते हो, जैसे कि जैसे बैटमैन का बाप ऐसा कुछ वगैरह जो भी पीजे सर करते हैं, पर मैं यहाँ पे ऐसे एक बार के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। जोकर टेक्स्ट एंड देन एक्सप्लेन को वाइट ही रखूंगा मैं, क्योंकि वो थोड़ा मेरा अलग है। अब तो मैं ऐड करना थोड़ा बहुत ग्लो, तो ग्लो ऐड करने के लिए मैं यूज करता हूँ ज्यादातर केसेस में इसका साइज बड़ा कर लो, एंड देन येलो एंड देन वाइट। नॉर्मल से कर दो तुम थोड़ा लीनियर टच, इधर आओ और इसको ऑपोसिटी को एकदम कम कर दो। एंड उसके बाद तुम्हें ग्रीन्स वगैरह साथ में प्ले करना है, तो इसके अंदर ही कर देता है, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हारा ये लेयर है ना, इनके अंदर थोड़ा बहुत ग्रीनिश आना चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगा इसके अंदर जाके मैं थोड़ा सा कलर ब्लेंड कर दूंगा इसको ग्रीन की तरफ, और इसको कर दूंगा मैं क्लिपिंग मास्क, तो मेरा पूरा इसमें आएगा। एंड तुम और चीजें कर सकते हो, जैसे कि तुम एक न्यू लेयर बनाओ और क्लिपिंग मास्क होना चाहिए, ध्यान रखना रिलीज नहीं होना चाहिए। एंड देन तुम इसके अंदर जाओ और अपनी तरफ से यहाँ पे कलर ऐड कर दो, ठीक है। अब थोड़े शायद ज्यादा हो गया ये वाला कलर है ना, तो इसको मैं कम करूंगा यहाँ से, तो ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। ओके, एंड यहाँ पे तुम एरोज वगैरह साथ प्ले कर सकते हो, जैसे कि तुम इसको यहाँ से एरो से लेके यहाँ एरो, वो तुम पे डिपेंड करना है कि तुम्हें एरो कितने डालना है। बाकी तुम्हें असेट जो वो सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जो जो मैं यूज करूंगा इसके अंदर, जैसे कि इमेजेस वगैरह जो मैंने यूज किए हैं और जो मैं एरोज वगैरह यूज करता हूँ वो भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पर तुम्हें PSD नहीं मिलेगा, ठीक है, PSD वगैरह मैं नहीं देना चाहता, क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ पे बैठ के सारा एक्सप्लेन किया, मैंने समझाया, तो मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ जस्ट PSD यूज करो और तुम कुछ सीखो ही ना, तो वो सेंस नहीं बनता है। बाकी तुम्हें इसके रिलेटेड जो तुम्हें असेट्स चाहिए ना, वो तुम्हें मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पर PSD नहीं दे सकता, आई एम सॉरी, क्योंकि फिर सिखाने का मतलब नहीं है ना PSD देने के बाद। तो तुम्हें करना क्या, तुम्हें करना है इसका एक्सपोर्ट है ना कलर ग्रेड करने के लिए। बाकी तुम यहाँ पे तुम कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू भी कर सकते हो, पर मैं ज़्यादातर केसेस में एक्सपोर्ट करके करता हूँ, वो मेरे को ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा लैग होने लगता है किसी किसी ज़्यादातर केसेस में। बाकी इसमें तो नहीं कर रखा है मेरा, लेकिन मैं तुम्हें एज ए क्रिएटर बता रहा हूँ इस चीज़ें कि अगर तुम्हारा PC वैसे अच्छा नहीं है तो तुम एक्सपोर्ट करने के बाद कलर ग्रेडिंग किया करो, ना कि तुम कन्वर्ट टू स्मार्ट करके। ओके, तो मेरे टॉप पे आ चुका है, एंड देन अब मैं इसको लूंगा फिल्टर गैलरी में, सॉरी कैमरा रो फिल्टर के अंदर में। तो मेरे यहाँ पे एक्सपोजर बढ़िया है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्रास्ट बढ़ाऊंगा, एंड देन मैं थोड़ा हाईलाइट को हल्का सा मूव करूंगा, शेडोज को कम कर दो हल्का सा, एंड देन वाइट्स को रहने दो, ब्लैक को बढ़ाओ, सॉरी ब्लैक को कम कर दो, एंड देन तुम कलर में जाओ, वाइब्रेशन को हल्का सा बढ़ाओ, एंड इफेक्ट्स में जाके जो टेक्सचर है ना इसको तुम फुली कर दो, क्योंकि मैंने इनके देखो उनका टेक्सचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है। क्लियरिटी में जाके हल्का सा फुल कर दो तुम, विग्निटी को थोड़ा सा, ठीक है इतना ठीक है, -18 करके थोड़ा सा कम कर देता है, एंड देन इसमें थोड़ा ग्रीन ऐड करो। एंड अब तुम्हें जाना है कलर मिक्सर में, यहाँ से ह्यू में जाके ग्रीन्स को यहाँ पे चेंज कर दो थोड़ा सा, मुझे लगता है इफेक्ट्स थोड़ा ज़्यादा हो गया लाइक क्लियरिटी, अब ठीक है। तो देन ओके, हिट ओके करो, एंड देन तो यस, तुम्हारा ये थंबनेल रेडी है। तुम अपनी तरफ से इसके अंदर जो चाहो तुम ऐड कर सकते हो, और इन फ्यूचर मैं इसको थोड़ा और एडवांस करूंगा, जैसे जैसे अपन बढ़ते जाएंगे ना इसके अंदर अपन AI का भी यूज करेंगे, है ना, और धीरे धीरे ये प्रोग्रेशन होगा। बाकी इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, तो होपफुली तुमने इस वीडियो से कुछ सीखा। इफ यस देन मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, हैव अ गुड डे।